हाय एवरीवन, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शॉर्ट्स के वीडियो पे थंबनेल कैसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके शॉर्ट्स पे अगर एक अच्छा थंबनेल ना हो तो वहाँ पे व्यूज़ बढ़ने के कम चांसेस होते हैं। जिस तरह आप अपना लॉन्ग वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं तो वहाँ पर एक बढ़िया थंबनेल को आप ऐड करते हो ताकि आपके वीडियो के जो है फीचर्स को एक्सप्लेन कर सके कि बेसिकली ये जो वीडियो आपने अपलोड किया है या आपके यूट्यूब पोर्टल पर किस बेस पर आपका ये वीडियो बना। तो आपका जो थंबनेल होता है एक कवर पेज का काम करता है, लाइक जिस तरह उसी तरह जो एक बुक के ऊपर जो कवर होता है जिसकी बुक की खूबसूरती को बताता है एंड बुक के डिटेल्स को प्रोवाइड कराता है कि इस बुक के अंदर क्या है, उसी तरह आपका थंबनेल जो है ना आपके वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा विद इन वन मिनट में कैसे आप अपने शॉर्ट्स में थंबनेल को आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे वायरल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज ला सकें। साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे वहाँ पे मैं आपको अपलोड करके बताता हूँ कि आप अपना थंबनेल को कैसे ऐड करके शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल कर सकते हैं। सो फाइनली मैं आपको लेकर चलता हूँ यूट्यूब एप्लीकेशन पर जहाँ से आप अपना कोई भी वीडियो वगैरह को अपलोड करते हैं, या सिंपली मैंने प्लस के साइन पर करके अपलोड वीडियो पर क्लिक किया एंड एक शॉर्ट्स वीडियो मैं ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसा कि मेरे पास ये वीडियो, मैंने इस पर टैप किया एंड टैप करने के बाद फिर इसको मैंने नेक्स्ट किया एंड यहाँ पे फाइनली नेक्स्ट करके इसको मैंने अपलोड करने का प्रोसेस किया। बट यहाँ पे जैसा कि मैं अपना विजिबिलिटी थोड़ा जो है ना अनलिस्टेड कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने एक्चुअली अपलोड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अनलिस्टेड लिया है, आप मत लीजिएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपलोड किया एंड कुछ देर के बाद ये फाइनली जो है ना हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको थंबनेल डालना है तो उसके लिए आपको YT स्टूडियो में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग चलते हैं YT स्टूडियो में एंड YT स्टूडियो में जाने के बाद में आपको जाना है कंटेंट में एंड उसके बाद कंटेंट में मैं चले जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने शॉर्ट्स के सेक्शन में चले जाता हूँ जहाँ पर मैंने ये शॉर्ट्स को अपलोड किया। तो फाइनली मेरा ये शॉर्ट्स अपलोड हो गया एंड यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपना थंबनेल ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली मैंने पेंसिल के बटन पर क्लिक किया एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एक्चुअली थंबनेल ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए मुझे अपना विजिबिलिटी जो है ना चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली शेड्यूल्ड कर देता हूँ ताकि मेरा विजिबिलिटी हो जाए थंबनेल ऐड करने के लिए एंड ओके कर देता हूँ। और मैं अपना एक्चुअली एक टाइम ले लेता हूँ एंड यहाँ पर जो एक ऑप्शन है सेट एज प्रीमियर, उसको मुझे ओके करना है एंड फाइनली मैं ये बैक आके सेव कर लेता हूँ एंड सेव करने के कुछ सेकेंड के बाद में मैं इसको फाइनली रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड रिफ्रेश करने का तो वापस से मुझे पेंसिल के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए कि जो थंबनेल का ऑप्शन है यहाँ पे इनेबल हो गया, पेंसिल का बटन आ गया, फाइनली ये थंबनेल का ऑप्शन मेरे पास आ गया। अगर आप अपने किसी भी वीडियो में से कैप्चर करना चाहते हैं थंबनेल के लिए तो वो भी ले सकते हैं, या अदरवाइज आप कोई कस्टम थंबनेल जो आप अपने बनाया के गैलरी में रखा है तो उसको आप सिंपली अपना लेके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा फाइनली स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपना शॉर्ट्स पे थंबनेल को ऐड कर सकते हैं जिससे आपका व्यूज़ बढ़ सके। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं तब तक अगले नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉच एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।